तो दोस्तों आज मिल्खा की ट्रेनिंग का थर्ड डे है। पहले दिन तो हमने उसको बहुत ही स्लो भगाया, दूसरे दिन थोड़ी रफ्तार में भगाया, लेकिन आज तो भाई धुआं ही उठा देना है। आज हम उसको बिल्कुल सीधी सीधी रोड पर भगाएंगे, ऐसे नहीं कि रास्ते यूं जो कट रहे हैं उस पर नहीं भगाएंगे, क्योंकि उस पे तो मोड़ने में ही स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर एकदम बढ़ानी पड़ती है, तो मिल्खा को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, इसलिए आज उसको बिल्कुल सीधी रोड पर भगाएंगे। दोस्तों फिलहाल मैं कैनल के लिए निकल रहा था और आज आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये चेक करें भाई, ये वही डॉग है जिससे मैंने लीवो को लड़वाया था ना एक बार लीवो को इसके बिल्कुल फेस टू फेस लड़वा दिया था मैंने। हाँ, लड़ाई नहीं हो पाई थी लेकिन बिल्कुल फेस से फेस मिलवा दिए थे। देखिए भाई, ये भूतिया कुत्ता वही है और ये इतने दिनों के बाद मुझे आज दिखा है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे लीवो नहीं है, लीवो कैनल पर जा चुका है, तो यार अभी इनकी लड़ाई भी नहीं हो पाएगी। फिलहाल देखो यार, वो वहाँ पर जा रहा है, पता नहीं कहाँ से निकल कर आता है। सुबह सुबह हम मिल्खा को इसलिए दौड़ाते हैं ताकि ट्रैफिक भी कम हो और उसे गर्मी भी कम लगे। लो भाई, कैनल से तो निकल चुके हैं और आज थोड़ा सा अलग रूट पर जा रहे हैं, यानी कि अपने घर की साइड को जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई आज ये मेन रोड पर कैसा भागता है। ये जो सामने रोड दिख रही है ना आपको, इस पर हमें मिल्खा को भगाना है, जिस पर मिल्खा पहली दिन भागा था ना, जिस दिन हम इसको बहुत स्लो भगा रहे थे वहीं पर लेकर आए हैं। ये रास्ता थोड़ा सा खराब तो है लेकिन ये रास्ता सीधा है बिल्कुल, और हम ऐसा ही रास्ता चाह रहे थे क्योंकि यार उस दिन वहां पर भगाया था ना, जैसे ही अपनी फुल स्पीड में आता था तुरंत मोड़ आ जाता था। इसलिए भाई आज इसको बिल्कुल ये वाली देखो सीधी रोड पर भगाएंगे और तब देखेंगे इसकी स्पीड, ठीक है। लो भाई आ चुके हैं। ओह भाई, रफ्तार पकड़ ली, साइड में रहूंगा बिल्कुल, और अच्छे से देखेंगे आज मिल्खा को। अभी तो देखो बहुत प्यार से भाग रहा है, थोड़ी देर के बाद जब इसको फुल छोड़ेंगे ना पापा, तब भाई इसका मुंह देखना, इसके पैर देखना भाई सब। अभी तक पापा जी ने आर ना इसको दिखाई भी नहीं है। देखो भाई, पापा जी ने यहाँ पर रखी है आर, बस इशारा कर देते हैं आर का एक बार, फिर एक बार मार कर ना आर का एक बार इशारा कर देते हैं और बाकी अपने आप भाग रहा है अपने आप, क्या बात है। चलो भाई एक बार इसको साइड से देखते हैं। ओहो कितना ट्रैफिक भी तो है यहाँ पर। यार यहाँ पर मजा आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता है ना, ना स्पीड हमें कम करने की जरूरत पड़ रही और ना ही कहीं मोड़ना पड़ रहा ना कुछ, बड़े आराम से पापा जी बैठे हैं, बड़े ही मजे से मिल्खा चल रहा है, क्या बात है, खुशी से। भाई साहब मिल्खा में ना एक आदत और भी है, बहुत बड़ी आदत है, ये जब भी चलता है ना रोड से बिल्कुल चिपक के चलता है, यानी कि बिल्कुल किनारे किनारे पे चलता है, बिल्कुल किनारे किनारे पे, तो वाहनों के लिए रास्ता छोड़कर ना एक किनारे पे चलता है बेचारा मिल्खा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाए। ये देख लो भाई, पापा जी आर का इशारा देते हुए और स्पीड बढ़ गई। हाँ बेटे, तो भाई गंगा माई के नारे भी लगने लग गए। ओहो छोड़ दिया भाई, फुल स्पीड में छोड़ दिया। लो ये देख लो, भाई आज तो ना बहुत तगड़ी घुमाई चल रही है इसकी, जब से कैनल से निकला है ना और इस मेन रोड पे चढ़ा है यहाँ पे, भाई मिल्खा को पापा जी खींचे जा रहे हैं। लो भाई फिर खींच दे एक बार। लो भाई बस यहीं तक लेकर जाएंगे, अब पापा जी इसको यहाँ से मोड़ने वाले हैं। बहुत तगड़ी घुमाई चल रही है भाई, कैनल से निकलते ही ना भाई एक ही स्पीड में है और बीच बीच में बढ़ाते रहते हैं, अब यहाँ से मोड़ रहे हैं, देखो क्या बात है, बस यार आराम से मुड़ जाए, गाड़ी वाड़ियों का बड़ा खतरा लगता है मुझे। चलो 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 चलो, मुड़ गया, अब देखना भाई एकदम स्पीड पकड़ेगा, पकड़ ली स्पीड, क्या बात है यार। ऐसा लगता है कि इसकी जगह अगर हम भाग रहे होते भाई हमारी तो खुद की सांस फूल जाती। और ये ऐसी चीज है ना, एक तो ये और एक घोड़ा, जब भी सड़कों पर निकलते हैं ना पब्लिक भाई देखते चली जाती है, देख लो
पब्लिक देखती है भाई रुक रुक के, और भाई मिल्का की स्पीड चेक करें अब आप लोग। लो भाई ये बैल फिर से आ लिया है। आहा अंकल जी भी भाई तगड़े शौकीन है। मेरे पीछे एक ट्रक वाले भाई जा रहे हैं, वो मुझसे आगे नहीं निकाल रहे क्योंकि वो भी भाई मिल्खा की रेस का मजा ले रहे हैं। देख लो मेरे पीछे रहेंगे, बहुत देर से मेरे पीछे ही है। सड़क खाली पड़ी है लेकिन वो ओवरटेक नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें देखना है ना मिल्खा। ये देख लो भाई मेरे पीछे क्या बात है भाई, सबके सब शौकीन हो रहे हैं। और भाई सब मिल्खा के चलना देखे भाई, बिल्कुल किनारे किनारे पे चलता है, बिल्कुल किनारे पे, सड़क के बिल्कुल किनारे पे चलता है, बिल्कुल भी बीच में नहीं चल रहा। और ट्रक वाले भाई अभी मेरे पीछे ही है। ओहो ओहो अब ओवरटेक करेंगे भाई इतनी देर में। ये देख लो भाई ट्रक वाले भाई कर रहे हैं ओवरटेक। भाई आप लोगों को तो शायद ना दिख पा रही हूँ लेकिन मिल्खा का शरीर इस टाइम पूरा गर्म हो चुका है, पसीने भी आने लग गए उसको, और उसके शरीर की ना एक एक नस खड़ी हो गई है। आपको शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा साफ साफ। सॉरी बॉडी की वेन्स ना बाहर को आ रही है। लो भाई कैनल की बाहर वाली सड़क पर आ चुके हैं। एक काम करते हैं मैं जल्दी से कैनल पर जाता हूँ, मिल्खा थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएगा। दोस्तों बिल्कुल अभी अभी कैनल पर पहुंचा हूँ और पता है मुझे यहाँ पर कौन मिला है? लवी भाई। लवी भाई ये बच्चे कहाँ से आया? अरे वाह क्या बात है भाई, ये जो बच्चा है ना इसकी एक बार क्वालिटी चेक करें। ये D1 का बच्चा है और ये पता है वापस आया है। जिनके पास ये था ना उन्होंने कहा भाई ये बड़ा ही ज्यादा तगड़ा हो चुका है, उम्र से पहले ही हम पे संभले ना, इसलिए भाई उन्होंने वापस भिजवा दिया कि हमें आप कोई भी छोटा सा प्यारा सा बच्चा दे देना, लेकिन ये इतनी तगड़ी ब्रीड हमारे पास संभलेगी नहीं हमें। भाई ये चेक करो इसके पंजे, हेलो करियो, हेलो हेलो नहीं कर रहा, लेकिन एक नंबर का भाई तगड़ा कुत्ता है और बिल्कुल D1 का। लवी भाई अरे बस 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 ये मिल्खा को देख कर रहा है, देखो उधर से मिल्खा आ रहा है ना। बस 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 क्या बात है, अच्छा चेक कर ले, अभी से इतना गुस्सा है आगे जाके भाई कितने गुस्सा होगा पता नहीं। फिलहाल मिल्खा भी आ चुका है, इसको भी और मिल्खा को लेकर अंदर चलते हैं। बस 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 भाई लवी भाई साहब बता रहे हैं कि इसको जब मैंने स्टेशन पर बांधा था ना पूरे स्टेशन को इसने सर पर उठा लिया था, इतनी तेज तेज भौंकता है ये। इसके बाल देखो भाई मिल्खा को देख कर ना कैसे खड़े हो गए। ओहो पूरे गुस्से में है, पूरे गुस्से में। बस कर भाई कितना गुस्सा करेगा, बस दिखाना दिखाना दिखाना। ओहो क्या हाल कर दिया भाई, इतने ज्यादा जान लगाता है कि। और तुम पकड़ के देखो। अरे नहीं बस मैं तो समझ गया तुम्हारे हाथ देख के बस भाई बस बहुत ज्यादा मुझे पता है इसमें पावर है भाई, हाथ भी मजबूत कर दिए तुम्हारे तो आज। चलो चलो तो फिलहाल दोस्तों मैं सेटअप पर पहुंच चुका हूं और इस लोग में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूं, ओवर एंड आउट।